कोतवाली क्षेत्र के माधवनगर खरपरी में एक परिवार को जिंदा जलाए जाने के मामले में अब राजनीति तूल पकड़ती दिखाई दे रही है। शुक्रवार को माटीकला बोर्ड अध्यक्ष पीड़ित के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे मामले की जानकारी जुटाई है। थाना कोतवाली क्षेत्र के माधवनगर खरपरी में 18 जून को पड़ोस के ही रहने वाले मुरारी लाल ने जगदीश के मकान का बाहर से ताला बंद करके केरोसिन डालकर आग लगा दी थी, जिसमें 2 वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। 2 दिन बाद सेफई पैरामेडिकल में उपचार कराते हुए 2 लोगों की और मौत हो गई थी। मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की और पूरी घटना के बारे में जानकारी जुटाई है। वहीं मैनपुरी प्रशासन को भी पूरे मामले में कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित भी किया है, साथ ही पीड़ित को हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। अरे यार, माटीकला बोर्ड के आप आज भी आए हैं, खरपरी के माधवनगर में आ रहे हैं, क्या हमला था और क्या पहले हम हॉस्पिटल में जैसे जानकारी मिली तो कल आना था हम लोगों को। रहने वाले हम आगरा के हैं और आगरा में क्योंकि इस परिवार में एक बच्चा, छोटा बच्चा और इसे जो लड़कियां जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके माता पिता दोनों बीमार हो गए हैं, तो हमारा थोड़ा हमारे आगरा जिले में आसपास के जिलों में हम बृहस्पतिवार का विचार माना कल आना था हमें, लेकिन वो कैंसिल कर दिया। फिर पता चला कि आज बृहस्पति से, तो कैंसिल कर दिया। फिर आज आए हुए सरकार की ओर से भी हम लोगों को निर्देश था आप जाकर के जाइए और पूरी की जाती जानकारी करके माननीय मुख्यमंत्री जी, हम माननीय मंत्री जी हमारे उनका जनपद है ये, और हॉस्पिटल में हम उन लड़कियों को देख करके आए हैं। स्थिति तो उनकी भी बहुत दयनीय है, घटना बहुत भयावह है और दर्दनाक घटना, हृदयविदारक घटना है। इस तरह से जिंदा जलाना एक बहुत क्रूरता का, जिसने भी किया क्रूरता का विषय है। एक लड़का हमारे जिलाधिकारी यहाँ के SP से बात हुई हमारी और एक लड़का इसमें जेल गया है। अभी घर वालों का कहना है कि कुछ लोग अभी और भी हैं, ऐसा है तो हमने उनसे कहा है कि निर्देश हुए कोई व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहिए और जिसने किया है वो बचना नहीं चाहिए, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो जिसने किया है वो जेल जाए और उसको सजा मिले। तो वहीं अगर वीडियो वायरल की बात करें, किस तरीके से लोग देखिए, वीडियो मैंने यहाँ आने के बाद सुना है, देखा नहीं है, सुना है। और हमने कहा है अगर कहीं कोई वीडियो है, अभी हमारे कप्तान साहब से इस विषय बात हुई है, इस वीडियो की भी जाँच हो रही है क्या है कैसा है। और अभी देखिए मजिस्ट्रेट बयान हो ही चुके हैं, वो उसके बाद एक आध दिन में आ जाएंगे। जो भी है हमारे जो मृतक जो हुए हैं उन्होंने भी अपना बयान दिया है और लड़कियों ने भी बयान दिया है, हम भी जो है उनसे बात करके आए हैं। एक अभी हमसे ये लोग मिलेंगे लखनऊ में जा करके, और जो भी है वो तथ्य जो सामने आए वो सरकार की तरफ से। अब मैंने कहा कि मैं राजनीतिक आदमी उस तरीके से नहीं हूँ, मैं एक आयोग का एक वाइस चेयरमैन होने के नाते मेरा आश्वासन तो बहुत ये होना चाहिए। मैं कमीशन का वाइस चेयरमैन हूँ तो जो मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ तो कम से कम वो कार्रवाई तो होनी चाहिए। भाई पॉलिटिक्स आदमी आकर के, पॉलिटिकल आदमी आकर के इनसे कोई आश्वस्त करके चला जाए, लेकिन मेरा आश्वासन क्योंकि मैं कमीशन से एक जांच में आया हूँ, संवैधानिक एक पद है, तो मेरा आश्वासन तो उनके लिए रहेगा कि इस केस का हम तब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक पीछा नहीं छूटेगा। जो विपक्ष के कुछ लोग हैं उन लोगों ने एक वीडियो वायरल किया था अस्पताल से, क्या मकसद है? देखो विपक्ष क्या कर रहा है, अब विपक्ष तो अभी आप LAC का मुद्दा देखो, आप सब लोग दिखा रहे हैं, आपके चैनल भी दिखा रहे हैं। सेना के वीर सैनिक हमारे 20 जवान शहीद हुए लड़ते लड़ते हुए, उन्होंने उसी पे शक कर दिया कि भाई हमें तो लगता है कि भाई क्या है। आप लोग भी जानते हैं अगर पिछला विपक्ष का पूरा इतिहास उठाया जाए, कैसे चाइना में के कब्जे में वो जमीन गई है, कैसे भारत का हिस्सा गया है, तो चलता रहता है पक्ष विपक्ष, तो ये करते रहेंगे। और जिन्होंने जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसके लिए कप्तान साहब, DM साहब यहाँ हैं, उसकी एक जाँच कराई जाएगी। जांच करा के जो दोषी होगा, फर्जी होगा, फर्जी ट्विटर से होगा, उसकी जांच कराई जाएगी, उसके खिलाफ़ भी मुकदमा कराया जाएगा फिर। ठीक है सर।